और चलिए सीधे आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात का आज का संवाद। पहली मन की बात है, आज हम फिर ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे देश और देशवासियों की सकारात्मक प्रेरणाओं और सामूहिक प्रयासों से जुड़ी होती है। आज हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा, अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया, देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी, हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्प्रतिष्ठित कर रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। इस भावुक अवसर पर कितने ही देशवासियों और शहीद परिवारों की आंखों में आंसू थे। नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किए गए हैं। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद, उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर है। मैं आप सभी से कहूंगा, जब भी अवसर मिले नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं, अपने परिवार और बच्चों को भी जरूर ले जाएं। यहां आपको एक अलग ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होगा। साथियों, अमृत महोत्सव के इन आयोजनों के बीच देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए। एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये पुरस्कार उन बच्चों को मिले जिन्होंने छोटी सी उम्र में साहसिक और प्रेरणादायी काम किए हैं। हम सबको अपने घरों में इन बच्चों के बारे में जरूर बताना चाहिए। इनसे हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और उनके भीतर देश का नाम रोशन करने का उत्साह जगेगा। देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। इसी तरह मणिपुर की 77 साल की लोरेम्बम बिनो देवी दशकों से मणिपुर की लीबा टेक्सटाइल आर्ट का संरक्षण कर रही है। उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह को बैगा आदिवासी नृत्य की कला को पहचान दिलाने के लिए पद्म सम्मान मिला है। पद्म सम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं श्रीमान अमाई महालिंगा नाइक। एक किसान है और कर्नाटका के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोग टनल मैन भी कहते हैं। उन्होंने खेती में ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इनके प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ
छोटे किसानों को हो रहा है। ऐसे और भी कई अनसंग हीरोज हैं जिन्हें देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। आप जरूर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए, इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। मैंने मन की बात के श्रोताओं के लिए कुछ पोस्टकार्ड छांटे हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे यह एक असम के गुवाहाटी से रिद्धिमा स्वर्गीयारी का पोस्टकार्ड है। रिद्धिमा क्लास 7 की स्टूडेंट है और उन्होंने लिखा है कि वो आजादी के 100वें साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती हैं जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हो, आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो, 100% साक्षर देशों में शामिल हो, 0 एक्सीडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनीक से फूड सिक्योरिटी में सक्षम हो। रिद्धिमा, हमारी बेटियां जो सोचती हैं, जो सपने देश के लिए देखती हैं, वो तो पूरे होते ही हैं। जब सबके प्रयास जुड़ेंगे, आपकी युवा पीढ़ी इसे लक्ष्य बनाकर काम करेगी, तो आप भारत को जैसा बनाना चाहती हैं, वैसे जरूर होगा। एक पोस्टकार्ड मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नव्या वर्मा का भी मिला है। नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहां सभी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, जहां किसान समृद्ध हो और भ्रष्टाचार न हो। नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है। इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है, उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता। साथियों, एक और पोस्टकार्ड मेरे सामने है, चेन्नई से मोहम्मद इब्राहिम का। इब्राहिम 2047 में भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चंद्रमा पर भारत का अपना रिसर्च बेस हो और मंगल पर भारत मानव आबादी को बसाने का काम शुरू करे। साथ ही इब्राहिम पृथ्वी को भी प्रदूषण से मुक्त करने में भारत की बड़ी भूमिका देखते हैं। इब्राहिम, जिस देश के पास आप जैसे नौजवान हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, मेरे सामने एक और पत्र मध्य प्रदेश के रायसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10 की छात्रा भावना का। सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस तरह अपने पोस्टकार्ड को तिरंगे से सजाया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भावना ने क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा है। साथियों, मुझे गोवा से लॉरेंसियो परेरा का पोस्टकार्ड भी मिला है। ये क्लास 12 की स्टूडेंट है। इनके पत्र का भी विषय है आजादी के अनसंग हीरोज।
मैं इसका हिंदी भावार्थ आपको बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है, भिकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही सबसे बहादुर महिलाओं में से एक थी। उन्होंने बेटियों को सशक्त करने के लिए देश विदेश में बहुत से अभियान चलाए, अनेक प्रदर्शनियां लगाई। निश्चित तौर पर भिकाजी कामा स्वाधीनता आंदोलन की सबसे जाबाज महिलाओं में से एक थी। 1907 में उन्होंने जर्मनी में तिरंगा फहराया था। इस तिरंगे को डिजाइन करने में जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया था वो थे श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का निधन 1930 में जेनेवा में हुआ था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि भारत की आजादी के बाद उनकी अस्थियां भारत लाई जाए। वैसे तो 1947 में आजादी के दूसरे ही दिन उनकी अस्थियां भारत वापस लानी चाहिए थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ। शायद परमात्मा की इच्छा होगी ये काम मैं करूं, और इस काम का सौभाग्य भी मुझे ही मिला। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वर्ष 2003 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की स्मृति में उनके जन्म स्थान कच्छ के मांडवी में एक स्मारक का निर्माण भी हुआ है। साथियों, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह केवल हमारे देश में ही नहीं है, मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोस्टकार्ड मिले हैं। क्रोएशिया के जागरेब में स्कूल ऑफ एप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स, उन्होंने ये 75 कार्ड्स भारत के लोगों के लिए भेजे और अमृत महोत्सव की बधाई दी है। मैं आप सभी देशवासियों की तरफ से क्रोएशिया और वहां के लोगों को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत शिक्षा और ज्ञान की तपोभूमि रहा है। हमने शिक्षा को किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन के एक समग्र अनुभव के तौर पर देखा है। हमारे देश की महान विभूतियों का भी शिक्षा से गहरा नाता रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, वहीं महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। गुजरात के आणंद में एक बहुत ही प्यारी जगह है, वल्लभ विद्यानगर। सरदार पटेल के आग्रह पर उनके दो सहयोगियों भाई काका और भीखा भाई ने वहां युवाओं के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की। इसी तरह पश्चिम बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। महाराजा गायकवाड़ भी शिक्षा के प्रबल समर्थकों में से एक थे। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों का निर्माण करवाया और डॉक्टर आम्बेडकर और श्री अरविंदो समेत अनेक विभूतियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही महानुभावों की सूची में एक नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना के लिए अपना घर ही सौंप दिया था। उन्होंने अलीगढ़ और मथुरा में शिक्षा केंद्रों के निर्माण के लिए खूब आर्थिक मदद की। कुछ समय पहले मुझे अलीगढ़ में उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे खुशी है कि शिक्षा के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने की वही जीवंत भावना भारत में आज भी कायम है। क्या आप जानते हैं कि इस भावना की सबसे सुंदर बात क्या है? वो ये है कि शिक्षा को लेकर ये जागरूकता समाज में हर स्तर पर दिख रही है। तमिलनाडु के त्रिपुर जिले के उदुम लपेट ब्लॉक में रहने वाली तायम्मल जी का उदाहरण तो बहुत ही प्रेरणादायी है। तायम्मल जी के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। बरसों से इनका परिवार नारियल पानी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा है। आर्थिक स्थिति भले अच्छी ना हो, लेकिन तायम्मल जी ने अपने बेटे बेटी को पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उनके बच्चे
चिन्वीरमपट्टी पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल में अभिभावकों के साथ मीटिंग में ये बात उठी कि कक्षाओं और स्कूल की स्थिति को सुधारा जाए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। तायम्मल जी भी उस मीटिंग में थी, उन्होंने सब कुछ सुना। इसी बैठक में फिर चर्चा इन कामों के लिए पैसे की कमी पर आकर टिक गई। इसके बाद तायम्मल जी ने जो किया उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। जिन तायम्मल जी ने नारियल पानी बेच बेच कर कुछ पूंजी जमा की थी, उन्होंने 1,00,000 रुपये स्कूल के लिए दान कर दिए। वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, सेवा भाव चाहिए। तायम्मल जी का कहना है, अभी जो स्कूल है उसमें 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, अब जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा तो यहाँ हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई होने लगेगी। हमारे देश में शिक्षा को लेकर यह वही भावना है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। मुझे IIT BHU के एक एल्यूमिनस के इस तरह के दान के बारे में भी पता चला है। BHU के पूर्व छात्र जय चौधरी जी ने IIT BHU फाउंडेशन को $1,000,000 यानी करीब करीब 7.5 करोड़ रुपये डोनेट किए। साथियों, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर हमारी अलग अलग IITs में निरंतर देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के प्रेरक उदाहरण की कमी नहीं है। इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर से देश में विद्यांजलि अभियान की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों, CSR और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश भर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विद्यांजलि सामुदायिक भागीदारी और ओनरशिप की भावना को आगे बढ़ा रही है। अपने स्कूल कॉलेज से निरंतर जुड़े रहना, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना, यह एक ऐसी बात है जिसका संतोष और आनंद अनुभव लेकर ही पता चलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा, यह हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है। हमारे इन्हीं संस्कारों की झलक अभी हाल ही में तब दिखी जब मध्य प्रदेश के पैंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस बाघिन को लोग कॉलर वाली बाघिन कहते थे। वन विभाग ने इसे T-15 नाम दिया था। इस बाघिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो। लोगों ने बकायदा उसका अंतिम संस्कार किया, उसे पूरे सम्मान और स्नेह के साथ विदाई दी। आपने भी ये तस्वीरें सोशल मीडिया में जरूर देखी होगी। पूरी दुनिया में प्रकृति और जीवों के लिए हम भारतीयों के इस प्यार की खूब सराहना हुई। कॉलर वाली बाघिन ने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया और 25 को पाल पोसकर बड़ा भी बनाया। हमने T-15 के इस जीवन को भी सेलिब्रेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावुक विदाई भी दी। यही तो भारत के लोगों की खूबी है, हम हर चेतन जीव से प्रेम का संबंध बना लेते हैं। ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और
हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था तब भी वो अपनी ये भूमिका निभाता था। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा कोर्स कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। मेरे प्यारे देशवासियों, जब एकनिष्ठ प्रयास होता है, नेक नियत से काम होता है तो उसके परिणाम भी मिलते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया है असम से। असम का नाम लेते ही वहां के चाय बागान और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है। साथ ही एक सिंग वाले गैंडे यानी वन होर्न राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है। आप सभी जानते हैं कि एक सिंग वाला गैंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का ये गीत हर एक कान में गूंजता होगा। साथियों, इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है। इस गीत में कहा गया है, काजीरंगा का हरा भरा परिवेश, हाथी और बाघ का निवास, एक सिंग वाले गैंडे को पृथ्वी देखे, पक्षियों का मधुर कलरव सुने, असम की विश्व प्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मुंगा और एरी की पोशाकों में भी गैंडों की आकृति दिखाई देती है। असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था। इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सिंगों को जला दिया गया था। यह तस्करों के लिए एक सख्त संदेश था। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। जहां 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे, वहीं 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ 1 गैंडे के शिकार का मामला सामने आया है। मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सराहना करता हूं। साथियों, भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संस्कृति अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, पश्चिमी यूरोप और जापान में बहुत ही लोकप्रिय है तो ये बात आपको बहुत सामान्य लगेगी, आपको कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि भारतीय संस्कृति का लेटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है तो आप एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे। मैक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजील में भारतीय परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास, मन की बात में हम इन विषयों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको अर्जेंटीना में फहरा रहे भारतीय संस्कृति के परचम के बारे में बताऊंगा। अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम में
योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया था। यहाँ अर्जेंटीना में एक संस्था है हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर के आश्चर्य होता है ना, कहाँ अर्जेंटीना और वहां भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। यह फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है। इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मैडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट ने की थी। आज प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट 90 वर्ष की होने जा रही है। भारत के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ ये भी बहुत दिलचस्प है। जब वो 18 साल की थी तब पहली बार भारतीय संस्कृति की शक्ति से उनका परिचय हुआ। उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया, भगवद गीता और उपनिषदों के बारे में गहराई से जाना। आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के 40,000 से अधिक सदस्य हैं और अर्जेंटीना एवं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में इसकी करीब 30 शाखाएं हैं। हस्तिनापुर फाउंडेशन ने स्पेनिश भाषा में 100 से अधिक वैदिक और दार्शनिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं। इनका आश्रम भी बहुत मनमोहक है। आश्रम में 12 मंदिरों का निर्माण कराया गया है जिनमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन सब के केंद्र में एक ऐसा मंदिर भी है जो अद्वैतवादी ध्यान के लिए बनाया गया है। साथियों, ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण यह बताते हैं हमारी संस्कृति हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। दुनिया भर के लोग उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को खुद अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अब आपसे और खासकर अपने युवाओं से एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप सोचिए, आप एक बार में कितने पुशअप कर सकते हैं? मैं जो आपको बताने वाला हूं वो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य से भर देगा। मणिपुर में 24 साल के युवा थोना ओजम धनंजय सिंह ने एक मिनट में 109 पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया है। धनंजय सिंह के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई बात नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक मिनट में एक हाथ से सबसे ज्यादा नकल पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि धनंजय सिंह से आप प्रेरित होंगे और फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ लद्दाख की एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आपको जरूर गर्व होगा। लद्दाख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। यह स्टेडियम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। लद्दाख का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां 30,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। लद्दाख के इस आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में 8 लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा। इसके अलावा यहां 1,000 बेड वाले एक हॉस्टल की सुविधा भी होगी। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी सर्टिफाई किया है। जब भी स्पोर्ट्स का ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो यह देश के युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आता है। साथ साथ जहां ये व्यवस्था होती है वहां भी देश भर के लोगों का आना जाना होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होते हैं। इस स्टेडियम का भी लाभ लद्दाख के हमारे अनेकों युवाओं को होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ
कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात यह भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अब तो कोरोना संक्रमण के केस भी कम होने शुरू हुए हैं, ये बहुत सकारात्मक संकेत है। लोग सुरक्षित रहें, देश की आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनी रहे, हर देशवासी की यही कामना है। और आप तो जानते ही हैं, मन की बात में कुछ बातें मैं कहे बिना रह ही नहीं सकता हूं। जैसे स्वच्छता अभियान को हमें भूलना नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को हमें और तेजी लानी जरूरी है, वोकल फॉर लोकल का मंत्र ये हमारी जिम्मेवारी है, हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जी जान से जुटे रहना है। हम सबके प्रयास से ही देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे।